हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पनीर फ्राई, जो काफ़ी इजी है और उतना ही टेस्टी भी है। तो आइए देखते हैं पनीर फ्राई में क्या क्या डालते हैं। यहाँ हमने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये जितना छोटा रहे उतना ही अच्छा बनता है, या फिर आप इसको क्रम्बल कर लें। इसमें हमने तड़का लगाने के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज दिए हैं, 4-5 हरी मिर्च है और हरा धनिया है, 1 टमाटर हमने दिया है और यहाँ पर कुछ बेसिक मसाले हैं जो हम हर एक सब्ज़ी में डालते हैं, वही मसाले हैं, लेकिन हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा लिया है और नमक स्वाद के अनुसार। तो आइए अब हम बनाते हैं पनीर फ्राई। यहाँ हमने पैन चढ़ा लिया है, पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब तेल में हम ये तड़का डालेंगे और तड़का में हम तीनों चीज़ एक ही साथ डालेंगे, अलग अलग नहीं डालेंगे। ऐसे हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हमें थोड़ा सा सौते करना है। तड़का हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। इसके के साथ हम पनीर भी डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम मसाला भी इसी में डाल देंगे और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। अब इसी में हम मसाला और नमक भी डाल देते हैं। थोड़ी देर तक इसे हम फ्राई करेंगे। पनीर फ्राई बनकर हमारा रेडी हो चुका है। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप इसे रोटी, पराठा, चूरी, सीसी के साथ ही सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। अब हम गैस को बंद करते हैं, फिर हम सर्व करते हैं। पनीर फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है, काफ़ी टेस्टी हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आगे नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।